हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी मैं देहरादून आई थी, जैसे कि आपको पता है। तो आज मैं जा रही हूँ मुंबई। तो अभी मेरी मॉर्निंग की 9:45 की फ़्लाइट है, तो अभी 7:15 है, तो अभी मैं निकल रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं लेट ना हो जाए फ्लाइट में। तो यस, अभी निकलते हैं। और मुझे टाटा बाय करने के लिए कलश एंड एलिशा आल्सो जा रहे हैं। शकल देखो गाइस, हमारी ना सोके किसी सोए नहीं हम लोग, रात भर झपकी भी नहीं लिया। सही बात है, बात करते करते। तो यस, अभी चलते हैं। दोस्त हो तो ऐसे दोस्त हो। ओह माय गॉड, खुद की तारीफ खुद कर रही। मैं बताना चाह रही हूँ कि दोस्त हो तो ऐसे दोस्त हो ना, कि वरना ना हो। ओह माय गॉड, कि मतलब एक ने भी एक वो नहीं करा ना, कि लाइक मेरे को नींद आ रहा है, वो आ रहा है। अब आ ही नहीं रहा। नहीं मतलब वो जा रही है, अब मेरे को भी पता है मैं उससे नहीं मिलने वाली। अब कितने क्या पता मैं चली जाऊँ, वो चले जाए। तो मतलब दोस्ती होनी चाहिए, तो ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। यस, फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एंड जहाँ मैं रही थी, पर इसने दिखावट के लिए मेरा बैग यूज़ किया और मेरे बैग को वहाँ छोड़ दिया गाइस। पहले स्कीम बता दे तो तू पहले डाल दियो ना। चल ठीक है, इसने अपने रील बनाने के चक्कर में मेरा बैग वहाँ छोड़ दिया। रील नहीं, स्टोरी। हुआ थोड़ा मौसम अच्छा लग रहा है ना, तो जब मैं जाऊँगी तो मेरे पास कोई नहीं होगा ना इसे वीडियो बनाने वाला, तो इसलिए अच्छा। तो हेला क्यों किया उसको? फिर बोल रही कि मैंने वीडियो तो बना लिया, पर कोई पहचाने का तो नहीं ये बैग तेरा है, जैसे कि पूरी दुनिया में ऐसा बैग मेरा ही होगा। नहीं, जैसे तेरे फैंस है ना, कई तेरे फैंस पूरा डिटेल में देखते हैं, जैसे मेरी बजी। तो गाइस क्या पता लोग बोल रहे ये तो वर्षा दीदी का है। तो गाइस अभी मैं एकदम गैस के बैग में कलश ने दिया हुआ बैग, गिफ्टेड बाय कलश। नहीं अच्छा नहीं लग रहा जैसा कलश ने दिया हुआ। चुप है, थोड़ा सा एयरपोर्ट लुक इसने मेरा कंप्लीट किया आज। आउटफिट ऑफ द डे दिखा देते हैं। ओह माय गॉड, तो आज का आउटफिट ऑफ द डे, इसको एक बार ऐसे टांग तो। ओके मैम, हम भी टांगे। ये अब सही लग रहा। क्या लग रहा है? अब सही लग रहा। Who are you? फ्लाइट ना छूट गया इसके चक्कर में, वैसे टाइम हो गया है। मैम हम आपके फैन है, थोड़ा कंटेंट चाहिए होता है, हम पहुंच जाते हैं। जब लोग बाहर से आते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। बस क्या वही मुंबई तक छोड़ने जाओगे क्या? छोड़ देंगे, मैं तो पैंट नीचे करना भी भूल गई। कलश के पास तो डॉलर है भाई, ये तो मुंबई छोड़ के भी आ सकती है। छाप डॉलर है, कोई दिक्कत है? अभी एक दिन में 4 बार ट्रिप मार सकती है वो इतने डॉलर में, क्योंकि ये 4 डॉलर का सिर्फ रिचार्ज करती है। इस कलश सिर्फ 4 डॉलर का रिचार्ज करती थी, हमें कलश ने बताया। तो गाइज मैंने बोर्डिंग भी करवा लिया है एंड मुझे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी मिले, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फोटो भी क्लिक करवाया मेरे साथ। मेरा है गेट नंबर 3, तो मैं गेट पे जा रही हूँ। और मेन चीज़ है आज मैं मुंबई जा रही हूँ, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और आकाश के लिए ये चीज़ सरप्राइज भी है, क्योंकि उसे नहीं पता है मैं आने वाली हूँ, तो देखते उसका रिएक्शन कैसा होता है। सो अभी मैं जा रही हूँ फ्लाइट पे, और मैं KFC लेने चली गई थी और ऐसा लगा मेरी बोर्डिंग कम्प्लीट हो गई, मैं भागते हुए आई। शुक्र इम्पॉर्टेंट चीज़। तो जैसे कि आपको पता है मम्मी लोगों ने भी नया घर लिया है, तो वो वाले घर पे मैं पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि पहले हम लोग आर्मी एरिया में रहते थे, तो उसका भी मुझे वेट है। तो ये जल्दी जल्दी चलते हैं। मैंने ओला भी कर लिया है, तो अभी मैं जा रही हूँ और घर पे आकाश है। मैंने मम्मी से पूछ लिया, आपको पता होगा आकाश अभी शुरू कर रहा है, तो उसका प्रैक्टिस भी है, तो वो 4 बजे से है, तो उससे पहले तो मैं पहुँच जाऊँगी, क्योंकि अभी उस तो भी कितना बज रहा है। कितना बज रहा है भैया? अभी 1:05 हो रहा है, तो अभी कितना 20-25 मिनट रह गए, पहुँचते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं कैसा लगता है उसको। एंड मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही है, इसमें तो रात से नहीं सोई पहली बात, और भूख भी इतनी तेज लग रही है, पर ठीक है।
तो गाइज मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ। ये मम्मी आ चुकी है। पहली बार स्वागत है। वही तो इस घर में तो मेरा पहली बार है। हाँ। आकाश आप कहाँ है? वो तो ऊपर है, मैंने उसको बोला नीचे बुलाऊं, नीचे बुलाऊं उसको कि थोड़ा वो बनाना है गाड़ी, तो आ जा थोड़ा गाड़ी पीछे कि ऊपर ही जाना है बोलो। उसको पता नहीं ना सरप्राइज देना, वो तो है ना। हाँ। क्या ऊपर जाए ना, ऊपर जाके देते क्या ऊपर चल है ना, ऊपर जाते देते। मम्मी बोले थे आकाश को बहाने से नीचे बुलाएंगे, नीचे सरप्राइज देंगे। कभी कभी वो इतना चालाक है ना, उसको सरप्राइज या प्रैंक करो तो एकदम पकड़ लेता है, कहीं प्लान ही चौपट हो जाए, इससे छुपकर ही जाएंगे। बाप रे कितने माले हैं यहाँ पे? 17 हमारा माले, 9 हमारा 9 नंबर है। तो अभी मम्मी जाएंगे, मम्मी जाके बोलेंगी जा नीचे गाड़ी पंचर वाला, आकाश की बाइक पंचर हुई है, तो उसके लिए मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ी होंगी, फिर उसका रिएक्शन देखेंगे। अच्छा लाइटिंग है आपके घर के बाहर? वो तो अभी इतना तेज कुछ करूंगी तो उसको समझना हो जाए। क्या था? सो रहा था ये। आए, कैसा है भाई? कभी भी सरप्राइज नहीं पकड़ पाता मैं ऐसे, मेरी मम्मी बहुत चालू है। प्रैंक पकड़ लेता पर ये सरप्राइज नहीं पकड़ पाता। मेरे को नहीं पता था यार, मेरे को लगा थोड़ी टाइम के बाद आएगी, इतनी जल्दी आ रही। अच्छा लगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगा यार। ऐसी मजा आता है ना सरप्राइज दे दे के। और फिर पूरा यहाँ तो देख सोते हुए एकदम से उठा, मैंने टोपी वोपी पहने हुए गाड़ी पीछे कर, तूने ना दरवाजा खोला फिर तो अंदर आ गया। हाँ वही मेरे को लगा इसने ऐसे करके देखा होगा, इसने देखा होगा अबे ये आए है, फिर अंदर चला गया, पर मुझे नहीं पता था चप्पल लगाने आया। कांग्रेचुलेशन फॉर शो, बधाइयां। थैंक यू। ये तो एक बहाना था गाड़ी पंचर का, ताकि हम तेरा रिएक्शन कैप्चर कर सके। और कांग्रेचुलेशन कार के लिए भी भाई, बैठना है आपको? बैठना है बिल्कुल। इससे पहले जो मेरे को कार दी उसी ने दी है, पर मेन चीज है कि अभी तक मैं अच्छे से नहीं चला पाई, और ये बाप रे कितना खतरनाक चलाता है भाई। मुझे भी वाला सीखना है, ऐसे वाला, ऐसे ऐसे वाला वो होता है, सिखाएगा? आज गाड़ी थी फिर भी तेरा सरप्राइज के चक्कर में ये ओला करके आई। हाँ मम्मी ने बोला भाई को भेजूंगी, मेरा नाम आ रहा है उसको सरप्राइज देना, मैं ओला में आऊंगी। ये मजा आ गया, मजा आ गया। तो भाई बेटी मायके आई है, खातिरदारी शुरू हो चुकी है। मम्मी ने यहाँ पे बनाया मेरा फेवरेट चिकन फ्राई। मैंने आज पूरे रास्ते भी इतना अच्छे से कुछ नहीं खाया, एक वो खाया था KFC का खाया था, बट वो भी इसलिए खाया था क्योंकि मेरे को लगा कि कोई चक्कर आके ना गिर जाऊँ मैं, इसलिए खाया था अभी ताकि मैं घर पे आके मम्मी का खा सकूँ। चलो कैसा? वाह ये सही ले लिया मम्मी ने, सोफा कम बेड है। आए तो आने के बाद खाना खुना खा के मैं मस्त सोई, इतना मस्त नींद पूरी की है ना मैंने, क्योंकि कल रात से हम लोग नहीं सोए थे, एलिशा मैं और कलश। ऐसा होता हम तीनों के बीच में कि एक को नींद आ रहा था तो दो जने मोटिवेट करते, नहीं नहीं सोना, कल सर जा रही है, कल मैं जाऊंगी, ऐसे ऐसे करके हम दूसरे को मोटिवेट कर करके सुबह तक जगे भी, इतनी बातें की भाई। वही है ना, जब दोस्त मिल जाते हैं फिर
फिर उसके बाद आप लोग को अच्छा लगता है इतने टाइम बाद, मतलब अलीशा से तो मिलना जुलना रहता है पर कलश से बहुत टाइम बाद मिले और इतना अच्छा लगा, मतलब बात करके बहुत सारी चीजें शेयर हुई इधर उधर बातें शाते, बहुत अच्छा लगा। इतनी बातें शाते मैं तो सोई नहीं, तभी मैं यहाँ पे आके सोई। जैसी मैं उसके थोड़ी देर बाद, आकाश भी चला गया था, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है तो वो उसके लिए चला गया था। तब फिर मैंने सोचा कि भाई का रूम है तो मैं भाई के रूम में सोती, मस्त सोई, एसी चला के, क्या मस्त नींद आई थी। तो अभी उठ चुकी हूँ, तो उठ के मैंने थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग करना था वो किया। अभी कितना बज रहे हैं? 10 बजने वाले हैं। मेरी मम्मी को दिखाती हूँ मेरी मम्मी क्या कर रही है। बेटी आई है ये नहीं कि बात कर लूं। अरे बिग बॉस, इतना बिग बॉस, बिग बॉस भी जरूरी है। सेम एलिसा पार्ट टू, एलिसा भी यानी कि दोस्त आई है और कि बात करूं वो भी बिग बॉस, और यहाँ बेटी आई है ये नहीं कि बात करूं। अब भी करेंगे, अब रात पूरी अपनी है, दिन पूरा अपना है, तो अभी बस एक घंटे का एपिसोड है। इतना क्रेज है ना मेरी माँ को बिग बॉस का, भाई एक एपिसोड भी नहीं छोड़ते। मैं तो लाइव भी देखती हूँ बीच में, वो अनसीन वाला। हाँ नहीं नहीं, जो लाइव आता है ये तो पूरा 24 घंटे, वही तो उसमें पूरा लाइव 24 घंटे लाइव वाला, वो भी देख। बीच बीच में देखती, इतना नहीं देखती, पर ये जो आता है ना इसमें पूरा एपिसोड वो देखती। टाइम है भाई बंदी के पास। और गाइज मेरे भाई ने रूम देखो कितना मस्त सजा के रखा हुआ है, अच्छा सा। मतलब आकाश का ना पहले से ही था कि जब भी अपना घर होगा, पर ये अपना घर तो नहीं है, रेंट का है, पर वो ये ना जहाँ पर तुम रहते हो वो अपना ही घर होता है। यहाँ पर भी उसको एक पर्सनल रूम दिया उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि अब बड़ा भी हो रहा है और एक होता ही ना एक पर्सनल रूम चाहिए ही होता है। तो उसने इसको इतनी मेहनत से इतने प्यार से सजाया ना, मुझे मैं जब वीडियो देखी थी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसका बहुत सपना था कि मेरा रूम जो हो पर्सनल रूम हो। क्योंकि इससे पहले हम लोग आर्मी एरिया में रहते थे तो वहाँ पे दो ही रूम था, तो इतने अच्छे से वहाँ पे पर्सनल किसी का रूम था ही नहीं, तो इसलिए मुझे था कि चल यहाँ पे है तो आकाश यहाँ पे देखते हैं कैसे सजाएगा। बट उसने इतनी अच्छी तरीके से सजाया इस रूम को, मतलब आप देख ही सकते हो, आप खुद ही देखो पूरी मेहनत तो की है बंदे ने। ये फूल, फूल लगाना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये मिरर। ये इसका पहले से था कि मुझे एक ऐसा मिरर चाहिए। हर एक चीज, हर एक चीज, कोना कोना देखो कितने प्यार से सजा रखा है इसने, बहुत अच्छा। बस अब वो दिन का वेट रहेगा जब आकाश अपना खुद का घर लेगा मुंबई में, ऐसे ही अच्छा काम करते रहे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बस यही है कि अभी वेट है आकाश का, क्योंकि 10 बजे के बाद ही आऊंगा बोल रहा था वो, तो अभी 10 तो बजने वाले ही हैं, तो जैसे ही अभी आ जाता है फिर उसके बाद देखते हैं, उसे बातचीत करते हैं थोड़ी बहुत। आकाश की टॉपिक चल रही थी तो आकाश से रिलेटेड मुझे एक कमेंट आया था कि मे बी अब आकाश के आप लोग व्लॉग देखते हो कभी कभी, आकाश का नेचर कैसा है, वो मजाक करता है या बहुत चीज़ें बोल देता है ऐसा। किसी ने उसका व्लॉग देखा होगा, अभी रिसेंटली लास्ट व्लॉग जो डाला था उसका ही देख के बोला, पता नहीं क्या है, पर मेरे को कमेंट आया था कि आपका भाई बहुत बिगड़ रहा है उसको सुधारो। ऑब्वियसली आप लोग को व्लॉग देख के ऐसा लगता होगा कि बहुत ओवर बोलता है, बिगड़ गया है, हाथ से निकल रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो एज होता है ना, मैं नहीं बोलती भी नहीं होता है, बट ये जो एज होता है ना टीनेज वाला एज, ये बिगड़ने वाला एज ही होता है। पर आकाश जितनी मस्ती अपनी लाइफ में करता है, पर उससे ज्यादा उसको पता है कि मुझे किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, मतलब फैमिली से लेकर के, काम को लेकर के। उसने इतने एज में बहुत सारा काम किया है, बहुत मेहनत भी करता है, अभी भी करता है। मतलब अभी आकाश का जो एज है, मतलब इतना पैसा कमाने वाला एज नहीं है, पर फिर भी आकाश को ये रहता है कि मेरे को पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, आगे फ्यूचर के लिए करना है, तो वो चीज़ है। पर मुझे नहीं लगता वो बिगड़ रहा है। अब थोड़ा बहुत मस्ती मजाक दोस्तों के बीच में होता ही है, अगर वो बिगड़ता, वो अभी करियर में अच्छा नहीं कर रहा था तो हम उसको समझाते, पर वो करियर में इतना अच्छा कर रहा है तो उसके साथ साथ वो मस्ती भी कर रहा है, तो फिर उसमें हम, मेरे को नहीं लगता कि मुझे उसको समझाना चाहिए। एंड मुझे लगता है आकाश मेरे से ज़्यादा मैच्योर है इस चीज़ में, तो मुझे तो उसे समझाने की जरूरत नहीं है। बट वो ये लोगों को लगता है, ऐसा कोई ऑफेंड मत होना, बट मुझे कमेंट आया था, मुझे लगा कि मुझे क्लियर करना चाहिए, तो मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भाई है, मेरे भाई के लिए कोई बोलेगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ही। यस, अभी आकाश आएगा फिर मिलते हैं। आज सोचा था मैं उसके कार में घूमूंगी, बट वो ये ना, हमेशा मैंने नोटिस किया है जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मुंबई, आकाश किसी न किसी में शो में होता है। पर अच्छी बातें होना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए तो अच्छा भी लगता है। हेलो, फाइनली। ओहो हाय, कैसे हो? आज का तूने खाना बनाया होगा? नहीं नहीं, मैं भी रेस्ट मूड पे हूँ। रेस्ट मूड पे, बस मैंने कहा जैसे आओगे फटाफट से रोटी रोज बनाते हो, रोज खाते हो? खाना है बना लेंगे, दो मिनट वो रहेगा।
मेरी मम्मी जैसे जंगली इंसान कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अभी तीनों भाई आ चुके हैं और इनको मम्मी ने खाना दिया, मुझे लग रहा है इनको ज्यादा हो जाएगा ये। आज दोपहर को एक्चुअली मेरी मम्मी से लड़ाई हुई थी तो बदला ले रही है। एक्चुअली मोमोज भी बनाए, कहीं इनके मम्मी पापा बोले भी क्या खिला रहे नहीं, एक्चुअली मोमोज मंगाए, खाना थोड़ा सा कम था तो बस मोमोज आने के लिए थोड़ा टाइम है, तो मम्मी ने बोला तब तक के लिए। अंशुल के मम्मी और सरन की मम्मी बोल रहे हैं अच्छा मेरे बच्चे को खाना नहीं दे रही है, दाल इतना ज्यादा, राइस इतना कम। अरे मैंने ये टारगेट था, पनीर भी रखा हुआ था मैंने और अंडे भी थे, मैंने कहा रोटी फटाफट बना लूंगी, अंडा भुजिया पनीर की भुजिया और ये है। अच्छा पर वही चलो चलो कहीं थोड़ा थोड़ा खा लो फिर उसके बाद बाहर से। यहाँ पे तो इतना इजी है भाई, एकदम से कुछ भी ब्लिंकिट करो कुछ भी मंगाओ आ जाता है। ये तो तीन तीन चार चार बजे मंगा के खाता है। तो आकाश ने मोमो मंगाया था वो भी आ चुका है। हाँ जी भाई मेरी मम्मी क्यूट है। गुदगुदी करने में मजा आता है मेरे को, इसका बस यही है। मेरी मम्मी बहुत क्यूट सी है ना टेडी बियर। मम्मी मोमो भूख ला रहे पहले पहले मेरी फैमिली को दी है। ओ बैंक कितना सारा लाइफ हो तो ऐसी है। यस मजा जब मंगाया खाया। गूगल में आता है टाइम टाइम पे पेट पे जाता है खाना। थैंक यू मम्मी, वेलकम। तो गाइस ये व्लॉग भी खत्म करते हैं, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।